जय हिंद, नमस्ते, राम राम, प्रणाम। मैं अपने सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूं, जब से ये चुनाव अपने चरम सीमा पे पहुंचा, फेज दर फेज ये चुनाव बीतता जा रहा है, उसमें सबसे मेन मुद्दा अब आज के डेट में पीओके बना दिया गया कि पीओके हमारा है। मैं अपने देशवासियों से कहना चाहता हूं, और खासतौर से अपने गृह मंत्री साहब जी से, रक्षा मंत्री साहब जी से और प्रधानमंत्री साहब जी से कहता हूं कि 10 साल में आपने पीओके का नाम नहीं लिया, फिर पीओके नहीं चाहिए। चुनाव के टाइम पे आप लोगों को पीओके याद आता है, जिससे संबंध बिगड़ते हैं, और हमारे जैसे भाई, हमारा जवान, किसी गरीब का बेटा वहां सरहद पे शहीद होता है। मैं अपने देशवासियों से अपील करता हूं कि आप मुझे इन्हें 10 साल लिया, मुझे 10 दिन दे दीजिए, मैं पीओके नहीं पाकिस्तान लेके दिखाऊंगा। लेकिन एक शर्त होगी, शर्त ये होगी कि मुझे जितने नेताओं को पीओके चाहिए, सबके बेटे चाहिए, और मैं आगे आगे चलूंगा, वो राइफल लेके मेरे साथ पीछे पीछे चलेंगे, मैं कमांड करूंगा। अगर है हिम्मत तो आइए और दीजिए मुझे 10 दिन, और लेके दिखाता हूं मैं पीओके नहीं पाकिस्तान लेके दिखाऊंगा। है हिम्मत, भेजिए अपने बेटों को। राजनीति हर जगह, भारतीय सेना का इस्तेमाल हर जगह राजनीति में, जिससे हमारे जैसे हमारे तमाम भाई इस चीज का शिकार होते हैं। तो मैं आग्रह करता हूं कि खास करके ऐसी चीजें ना इस्तेमाल की जाए, और अगर करनी है तो दीजिए आप अपने बेटों का साथ दीजिए, मैं लाके देता हूँ पीओके नहीं पाकिस्तान, और पाकिस्तान ही नहीं अफगानिस्तान भी दे देंगे, वो भी तो अपना ही भारत का हिस्सा रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।